उधर घूमो पहले। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? हेल्दी होंगे और अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में एक पेशेंट है, उसे बहुत ज़्यादा लोअर बॉडी में, लोअर लिम्स में बहुत ज़्यादा पेन रहता था और बहुत समय से वो दर्द की पेन किलर्स, डाइक्लोफेनाक और पैरासिटामोल के कॉम्बिनेशन में दवाएं खा रही थी। तो उसने सोचा कि चलो आज मैं डॉक्टर साहब को दिखा लेती हूँ। दिखाने के बाद मतलब वो पेशेंट कह रहा था कि एक बार हम सोचा लाओ दिखा लें आपको, तो शायद हमें आराम मिल जाए। तो ये पेशेंट है, इसे हम इंजेक्शन देने वाले हैं। तो कौन कौन से इंजेक्शन देंगे इस वीडियो में हम पूरा बताएंगे और पूरा सीखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपनी दोस्तों, यार, प्यार, परिवार सबको ऐसी वीडियो शेयर करें, वो लोग भी सीख सकते हैं। बाकी अगर कोई हेल्थ सेक्टर से है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाती है सारी वीडियो, तो उनको ज़रूर शेयर करें। बाकी इस वीडियो में हम इस पेशेंट को वोवरान 1 ml का इंजेक्शन आता है वो देंगे और इम्बियन प्लस या फिर बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन या फिर विटकोफॉल है, न्यूरोकाइन गोल्ड है या फिर ब्ला ब्ला, बहुत सारे कंपनी के अदर अदर ब्रांड्स के आते हैं। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ इम्बियन प्लस, बाकी आप वीडियो में देख सकते हैं, ग्लिम्स में आपको दिख जाएगा कि कौन सा इंजेक्शन है। तो ये लगाएंगे, दोनों कमर में लगेंगे, हिप में लगाने वाले हम। तो कैसे सही तरीके से लगाया जाता है और क्या डूज एंड डोंट्स अप्लाई किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। जैसे अगर किसी को इंजेक्शन लगा रहे हैं तो 1 ml का या 2 ml का या 3 ml का सिरिंज यूज़ करते हुए फ्रेश यूज़ करना चाहिए। और अगर दो इंजेक्शन लगा रहे हैं तो ऐसे ही हम सारी चीज़ें, असम में नई चीज़ें, नई सिरिंज है वो अप्लाई करेंगे, नया कॉटन स्वैब भी लेंगे। तो इसमें हम कौन सा, कैसे, किस तरह लगाएंगे, इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए वीडियो दिखाते हैं और सीखते हैं कि कैसे सही तरीके से इंजेक्शन हमें कमर पे बटक में देना चाहिए। उधर घूमो पहले। दवाई कोनो दर्द की खाती थी क्या आप पहले? नहीं, जब से दवाई करा लगा वो कतो कतो खा लेते हैं, तो से नहीं जाते हैं। चलो काम काज में खा लेते हैं। मलिए थोड़ा सा इंजेक्शन, लेटी रहो लेटी रहो, दूसरा जेठा लगना ना, छोड़ दीजिए
लेटे उधर पूरे लेट जाए इसे। हाँ मलिए इसको भी।